सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। लेखक है धीरज कुमार सालुंके। ऑटो ड्राइवर बाथरूम में फंस गया था। वह डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी उसके पैरों को कुछ लगा। जैसे उसने पीछे देखा, उसे एक झटका लगा। उसे लकड़ी की फर्नीचर के एक खोखले में एक और ऑटो ड्राइवर की लाश दिखाई दी, जिसकी आंखें बाहर निकल आई थी और मुंह में से जुबान बाहर लटक रही थी। उस लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस बेचारे की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई होगी। वो काफी तड़प तड़प कर मर गया होगा। ऑटो ड्राइवर को उस लाश के हाथ के पास एक टॉयलेट क्लीनर की बोतल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि उस ऑटो ड्राइवर ने वो टॉयलेट क्लीनर पीकर खुदकुशी की थी। वो जल्दी से उस लाश से दूर हो गया और दरवाजे के ठीक सामने बनी टॉयलेट सीट पर बैठ गया। तभी उसे याद आया कि उसके पास उसका मोबाइल है। उसने अपना मोबाइल अपनी जेब से निकाला और अपने दोस्त को फोन किया। जैसे ही उसने फोन उठाया, रिक्शा वाले ने रोना शुरू कर दिया। राजू, मुझे बचाओ, राजू ये औरत मुझे मार डालेगी। ऑटो ड्राइवर फोन पर बात ही कर रहा था कि इतने में उसकी हाथ से किसी ने उसका फोन छीन लिया। ऑटो ड्राइवर ने उसकी मोबाइल छीनने वाले की ओर देखा और डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका मोबाइल लकड़ी टेबल के नीचे पड़ी हुई लाश ने छीन लिया था। उस लाश ने ऑटो ड्राइवर का मोबाइल छीना और उसे किसी रसगुल्ले की तरह निगल गया और फिर वापस आकर खोखली की जगह में जाकर अपने हाथ पांव फैलाकर मुंह से जुबान बाहर निकालकर लेट गया। ऑटो ड्राइवर आंखें फाड़ फाड़ कर उस लाश की तरफ देख रहा था। उसने बचपन में अपने पिता से सुना था कि एक मरा हुआ आदमी फिर कभी नहीं उठता, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि उसके पिता गलत थे। उसके मन में ख्याल आया, क्या इन्हीं जीवों को भूत कहते हैं? भूत तो वही होते हैं ना जो मर कर भी उठते हैं, चलते हैं, रात को यहाँ वहाँ घूमते हैं। उस मुर्दे को उठते देखकर ऑटो ड्राइवर की आंखें सफेद पड़ चुकी थी। तभी अचानक से उसकी मोबाइल की रिंगटोन बजनी शुरू हो गई। उसका मोबाइल उस मुर्दे के पेट में बज रहा था। ये पक्का राजू का ही फोन होगा। ऑटो ड्राइवर मन ही मन बोल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। वो बड़ी ही मुश्किल में पड़ चुका था, क्योंकि वो अब ना तो राजू को कॉल कर सकता था, ना राजू का कॉल रिसीव कर सकता था। उसका मोबाइल 2-3 बार बजा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि फोन उठाना अब उसके लिए असंभव था। वो मोबाइल ही उसका बच निकलने का एकमात्र रास्ता था। और जब उसे महसूस हुआ कि अब वो रास्ता बंद हो गया है, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। मैडम मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैडम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। वो चीख चीख कर रोने लगा। तभी बाथरूम के बाहर से वो औरत बोली, अरे तुम अंदर कैसे फंस गए? आपको अंदर किसने बंद किया? ऑटो ड्राइवर यह सुनकर खुश हो गया कि औरत ने उसे बाथरूम में बंद नहीं किया था। मैडम जल्दी से बाहर से दरवाजा खोलो, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, उसने बाथरूम के बाहर खड़ी औरत से कहा। हाँ खोलती हूँ, आप बस दरवाजे के आगे ही खड़े हो जाइए। ऐसा कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में लोहे का कांटों वाला फावड़ा लेकर आ गई। ऑटो ड्राइवर दरवाजे के आगे ही खड़ा हुआ था। क्या आप दरवाजे पर नहीं हैं? उसने रिक्शा वाले से पूछा। ऑटो ड्राइवर अंदर से दरवाजे के सामने खड़ा था। हाँ मैडम मैं दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, आप बस जल्दी से दरवाजा खोलिए, ऑटो ड्राइवर बाथरूम से चिल्लाया। वो औरत हाथ में नुकीला फावड़ा लेकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागी। इधर बाथरूम के अंदर ऑटो ड्राइवर ने सोचा, मैडम अभी दरवाजा खोलेंगी, कहीं मैं दरवाजे के बीच में ना आ जाऊं, इसलिए वो दरवाजे के किनारे पर चला गया। और जैसे ही दरवाजे से बाजू हटा, उसी वक्त वो लोहे का नुकीला फावड़ा दरवाजे के आर पार हो गया। यह देखकर ऑटो ड्राइवर के होश ही उड़ गए। अगर वो उस दरवाजे के सामने एक और पल भी खड़ा होता, तो वह लोहे का नुकीला फावड़ा उसके पेट से बाहर गुजर जाता और वह उसी पल मर गया होता। वो औरत जान गई थी कि उसका हमला जाया हो गया है, इसलिए उसने वो फावड़ा दरवाजे में से खींच कर बाहर निकाला। अरे क्या हुआ, आप दरवाजे के सामने खड़े रहिए ना, मैं अभी दरवाजा खोल देती हूँ, वो औरत बहुत ही प्यार से बोली। लेकिन ऑटो ड्राइवर ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। अरे अरे डरो मत, मैं तो सिर्फ दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, एक बार फिर मीठी आवाज में बड़े प्यार से बोली। अंदर ऑटो ड्राइवर का हाथ डर के मारे कांप रहे थे। उसे पता था कि अगर वो दोबारा दरवाजे के सामने गया, तो वह औरत नुकीला फावड़ा उसके पेट में घुसेड़ देगी। लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि अगर वो इस बार दरवाजे के सामने गया तो क्या होगा। हैं? मैं खड़ा हूँ दरवाजे के सामने, ऑटो ड्राइवर दरवाजे के बाजू में खड़े होकर बोला। वो औरत जोर से चिल्लाई और उसने फिर एक बार बड़ी ताकत से लोहे का फावड़ा दरवाजे में घुसेड़ दिया और बाहर निकाला। यह देखकर ऑटो ड्राइवर घबरा गया। औरत को फिर से एहसास हुआ कि वह अपना शिकार चुक गई है, तो उसे गुस्सा आ गया। क्या हुआ, दरवाजे के सामने आ जाना, मैं दरवाजा खोल रही हूँ। ऑटो ड्राइवर को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। नहीं रहने दो, मैं अंदर ही ठीक हूँ, आप दरवाजा मत खोलना, ऑटो ड्राइवर ने उस औरत से कहा। वैसे वो औरत गुस्से से लाल हो गई और उसने अपने हाथ में से फावड़ा नीचे फेंक दिया। ठीक है, तो तुम बाहर नहीं आना चाहते तो मैं ही अंदर आ जाती हूँ, वो औरत ने डरावनी आवाज में ऑटो ड्राइवर से कहा और वो दरवाजा खोलने लगी। ऑटो ड्राइवर ने सोचा कि अगर वो अंदर आ गई तो ना जाने उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि उस औरत के सर पर खून सवार था। तभी उस औरत ने दरवाजे को अंदर धकेल दिया। एक तभी ऑटो ड्राइवर होश में आया और अपनी पूरी ताकत से उसने दरवाजे को अंदर से बाहर धकेला और अंदर से बंद कर दिया। वो औरत गुस्से से लाल हुई और दरवाजे पर लात मारने लगी। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो, वो दरवाजे पर लात मारते हुए चिल्ला रही थी। उस औरत का वो भयानक बर्ताव देखकर ऑटो ड्राइवर बहुत डर गया। वो अपने सिर पर हाथ रख कर नीचे बैठ गया और रोने लगा। ये मैं कहाँ आकर फंस गया। वो सर पकड़ कर रोने लगा। तभी उसे अपने गांव के पागल बाबिया की बात याद आने लगी। एक औरत के चक्कर में बाबिया ने अपनी खेती बाड़ी और घर बेचकर वो भिखारी बन गया था और बाद में वो पागल हो गया था। तब से वह हर आदमी को पकड़कर सिर्फ एक ही वाक्य कहता था, भाई चनात खूब वहाटा है।
मतलब औरत की लत बहुत खराब है। लेकिन तभी ऑटो ड्राइवर उसे हर वक्त कहता कि वह मर्द मर्द है क्या जिसे औरत की लत ना हो, ऐसी जिंदगी से तो मौत अच्छी। और आज वह एक औरत की वजह से ही मौत के सामने खड़ा हुआ था। बाबिया सही कहता था, भाईचा नाथ खूब वाइटसो, उसने खुद से ही कहा। वो टॉयलेट सीट पर अपना सिर रखकर सोच रहा था, इतने में उसे एक ऑटो की आवाज सुनाई दी। उस घर के सामने एक ऑटो आकर खड़ा हो गया था। उसे पता चल गया था कि वह उसका दोस्त राजू ही था जो ऑटो में आया था। राजू तू आ गया है। वो उठकर जोर जोर से राजू का नाम लेकर चिल्लाने लगा, राजू, ए राजू, मैं इस घर में हूँ, इस औरत ने मुझे बाथरूम में कैद कर दिया है, राजू राजू। तभी उस औरत ने दरवाजे पर जोर से लात मारी। चुप बैठ वरना तेरे मुंह में फावड़ा घुसेड़ दूंगी, उसने रिक्शा वाले से कहा। नहीं चुप बैठूंगा, ऑटो ड्राइवर थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बोला। तभी उस औरत ने जोर से दरवाजे पर लात मारना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे दरवाजा टूटने ही वाला है। ऑटो ड्राइवर बहुत डर गया था। तभी घर की डोरबेल बजी। वैसे ही औरत शांत हो गई और ऑटो ड्राइवर राजू राजू कहकर चिल्लाने लगा। जरा रुको, हाँ मैं बस एक मिनट में आई। वो औरत मीठी आवाज में चिल्लाई और दरवाजा खोलने के लिए वहां से चली गई। ऑटो ड्राइवर बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। दरवाजे में लोहे का फावड़ा घुसाने के कारण दरवाजे में छेद हो गए थे। ऑटो ड्राइवर एक छेद से बाहर देखने लगा। बेडरूम में कोई नहीं था। 3-4 मिनट में वो औरत राजू को बेडरूम में ले आई। राजू को देखकर ऑटो ड्राइवर ने चिल्लाना शुरू कर दिया, राजू बचाओ, इस औरत ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया है, राजू। राजू ने ऑटो ड्राइवर की आवाज सुन ली। वो दौड़ता हुआ बाथरूम के दरवाजे पर आया और बोला, रुको मैं दरवाजा खोलता हूँ। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वो खुल ही नहीं रहा था। इस औरत को मत छोड़ना राजू, इसने मुझे अंदर बंद कर दिया है, इसने मुझे मारने की कोशिश की है, खलास कर डालो इसको। ऑटो ड्राइवर ने बड़े गुस्से में राजू से ये कहा। यह सुनकर राजू गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और जोर से चिल्लाया, भाई। उसके सिर से खून निकलने लगा। फिर भी राजू उठने की कोशिश करने लगा। उस औरत ने पास में एक टेबल से एक और एक शीशे का फलदान लिया और उसे फिर से राजू के सिर में जोर से पटक दिया और बोली, उप्स, तुम्हें तो लग गई। और एक डायन की तरह हंसने लगी। राजू फर्श पर खून से लथपथ था। वह दर्द से तड़प रहा था। उसके सर में टूटे हुए कांच के टुकड़े घुस गए थे। उसके सर में से सफेद फर्श पर खून बहने लगा था। यह देखकर ऑटो ड्राइवर का दिल दहल गया था। वह जोर जोर से रोने लगा और राजू का नाम लेने लगा, राजू। मेरे दोस्त। राजू ही उसके बच निकलने का आखिरी रास्ता था और वो रास्ता बंद हो चुका था। वो औरत राजू के बगल में बैठ गई और उसने राजू का सिर अपनी गोद में रख लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वो लोरी गाने लगी, सो जा मेरे राजकुमार, तुम हो मेरा सारा संसार, जब से तुम मुझे मिले मेरा जीवन हुआ खुशहाल, जीवन में मेरे रंग भरे तूने ही लाखों हजार, सो जा मेरे राजकुमार, सो जा मेरे राजकुमार। वो लोरी गा रही थी इतने में अचानक राजू ने अपने पास पड़े चाकू को उठाकर
उस औरत के सिर में घोप दिया। वो औरत चिल्लाई और फर्श पर गिर गई। क्या वो औरत मर गई? क्या घायल राजू जिंदा बच पाएगा? और क्या ऑटो ड्राइवर उस भूतिया बंगलों से बच निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी का अगला पार्ट देखना मत भूलना। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।